आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास। आज की वीडियो को देखकर आप यही बोलेंगे कि मेरे घर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जिनको देखकर आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ वाह निकलेगा। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जब भी हम दाल बनाते हैं तो दाल हमारी कुछ इस तरह से गाढ़ी हो जाती है। मैं दाल में टमाटर, प्याज, लहसुन साथ में डालकर बनाती हूँ। आपको अगर ये वीडियो मेरी देखनी है तो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही शेयर की है, आप देख सकते हैं। दाल को पतला करने के लिए आप कभी भी नॉर्मल पानी का यूज ना करें, आप चावल के पानी का यूज करें, दाल का टेस्ट दुगना हो जाएगा। अगली किचन टिप है मेरी फ्रूट्स को लेकर। हम जब भी मार्केट से फ्रूट्स लेकर आते हैं तो खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं और कई बार तो हम बिना धुले ही फ्रूट्स खा लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। फ्रूट्स के ऊपर इतनी सारी गंदगी, केमिकल्स लगे होते हैं ना, वो हमारे पेट में जाकर पेट में दर्द, स्टमक इन्फेक्शन और डायरिया जैसी भी बीमारियां हो सकती हैं। कई कई बार तो लूज मोशन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गंदे फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, उनको हम जो ख़राब हैं उनको सबसे पहले हम अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अंगूर को गुच्छे से अलग कर लिया है कुछ इस तरह से। मेरे अंगूर ज़्यादा ख़राब नहीं थे तो इसमें दो या तीन ही अंगूर ख़राब निकले थे। अब हम क्या करेंगे, सादा पानी लेंगे, नॉर्मल वाटर, और अंगूर को पूरा डुबा देंगे जितने हमारे अंगूर हैं। तो कुछ इस तरह से आप बड़ा बर्तन ले लीजिए और बड़े बर्तन में अंगूर को 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से गला के रख दीजिए। आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें रेगुलर वाला सॉल्ट, नॉर्मल नमक डालें और अच्छे से इनको हाथों से रफ कर लें 1 से 2 मिनट तक। आप इसमें जादू देखेंगे, 1 से 2 मिनट बाद अंगूर में इतनी ज़्यादा गंदगी निकली है ना, आप इस पानी को देखकर यही बोलोगे कि ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं पता था। अंगूर इतने ज़्यादा गंदे होते हैं ना कि हम उनको ऐसे ही खा लेते हैं। आज से आपको ऐसे नहीं खाना है, कुछ इस तरह से अंगूर को वॉश करना है। मैं ये गंदा पानी आपको एक कटोरी में लेके दिखाती हूँ, आपको जब समझ में आएगा कि अंगूर हमारे कितने ज़्यादा गंदे होते हैं। आप देख सकते हैं अंगूर में से ये कुछ काला काला निकला है, ये हमारे पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अंगूर पकाने के लिए इसमें केमिकल का यूज होता है, जो केमिकल अंगूर से चिपक जाते हैं, ये वही कालापन है। अब आपको क्या करना है, अंगूर को कुछ इस तरह से किसी जाली वाली चलनी में निकाल लेना है और रनिंग वाटर में अंगूर को 1 मिनट के लिए अच्छे से धोना है। ऐसे करने से आपके अंगूर बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे और आप खतरनाक बीमारियों से अपने परिवार को बचा सकते हैं। अगली टिप है हमारे बालों को लेकर। दिन पे दिन स्ट्रेस, पानी का खराब होना, हमारा डाइट अच्छे से ना लेना, उसके कारण बालों पर बहुत जल्दी इफेक्ट दिखने लगा है। तो आप क्या करें, आप इस तरह से हेयर मास्क बना सकते हैं। इससे आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे और कालापन आ जाएगा। आपको 1 से 2 आंवला लेना है और गुलाबी कलर की प्याज लेनी है। दोनों को हम आपस में मिक्सी के जार में पीस लेंगे। अब इस पेस्ट को हम छलनी की सहायता से छान लेंगे, जूस अलग कर लेंगे और इसमें जो ऊपर फाइबर है उसको हम अलग कर लेंगे। हमारा आंवला प्याज का जूस ये रेडी है, ये कुछ पिंक कलर का निकलेगा। आपको बोतल लेनी है ये ऊपर छेद वाली और इसमें सारा जूस हम कर लेंगे। ये आपके पास नहीं है तो आप इस जूस को हाथ से भी लगा सकते हैं अपने बालों में 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आप एग यूज करते हैं अपने बालों में तो इसमें आप 1 एग ऐड कर लीजिए। आपके बाल बहुत ही सिल्कीन हो जाएंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो वो झड़ना बंद हो जाएगा। अगली किचन टिप है मेरी कॉलिन की खाली बोतल को लेकर। हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं जब भी हम घर में कॉलिन लाते हैं और कॉलिन की बोतल ख़त्म हो जाती है। आप उसमें बहुत ही अच्छा घर का सस्ता कॉलिन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच इनो लिया है, इसमें हम डालेंगे आधा नींबू का रस जो लगभग 1 चम्मच ही है। तीसरी चीज इसमें हम मिलाएंगे 1/4 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। मेरे पास लिक्विड ख़त्म हो गया था तो मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर का यूज किया है, तो आप इसमें डिटर्जेंट का यूज कीजिए। इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद ये देखिए इसका रिएक्ट,
हमारी घर की बहुत ही सस्ती कॉलिन बनके रेडी है। इसमें हम एक गिलास पानी ऐड करेंगे। ये कॉलिन बनाकर आप महीनों तक रख सकती हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। चाहे आपकी टीवी हो, फ्रिज हो, फर्नीचर हो, कोई भी चीज़ हो, इससे बहुत ही अच्छी चमकने लगेगी। कॉलिन इतनी महंगी आती है और आप इसको घर में बहुत ही आसान और सस्ते तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसी कॉलिन से अपने फ्रिज की सफाई की है और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से चमक रहा है। इस कॉलिन से आप बहुत अच्छे से किचन का फर्नीचर जो काफ़ी गंदा हो जाता है, चिकना हो जाता है, बहुत आसानी से इस कॉलिन से साफ़ हो जाएगा। अगली किचन टिप है मेरी रोटी को लेकर। हम जब भी रोटी बनाते हैं या तो वो फूलती नहीं है, और फूल जाती है तो जब भी हम रोटी को कैसरोल में रखते हैं तो वो हमारी टाइट हो जाती है। रोटी आपकी टाइट ना हो, सॉफ्ट बनी रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपकी तवे की रोटी हो जाए तो जिस साइड ब्राउन स्पॉट्स हैं उसी साइड से पहले आपको रोटी को सेकना है और गैस को कम ज़्यादा करके रोटी को इस तरह से सेकेंगे। रोटी सेकने के बाद आप उसको कुछ इस तरह से घी से चिपड़िए। अगर आप नहीं चिपड़ती हैं तो रख सकती हैं। मैं घी से रोटी चिपड़ के कुछ इस तरह से रखूँगी और इस तरह से रोटी फोल्ड करके नहीं रखेंगे, कुछ इस तरह से रखेंगे अपने कैसरोल में। इस तरह से रोटियों को स्टोर करने से आपकी रोटियां कभी भी टाइट नहीं होंगी और इतनी सॉफ्ट निकलेंगी ना रोटियां। आप दो रोटी खाते होंगे ना, उसकी जगह चार खाने लगेंगे। सबसे ऊपर हम कुछ इस तरह से रोटी रख देंगे, वरना रोटी से लगा हुआ घी सारा कपड़े में आ जाएगा। और आप देखेंगे 4 घंटे बाद भी आपकी रोटियां इतनी सॉफ्ट हैं जैसी आपने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा। ये आप टिप ट्राई करके देखिए। मैं हमेशा इसी तरह से रोटी रखती हूँ, रोटियां बहुत ही सॉफ्ट निकलती हैं, मुलायम निकलती हैं। आपको मेरी सबसे अच्छी कौन सी टिप लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं हम ऐसी ही एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।